जी हाँ दोस्तों, जो बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है उसमें आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही 26 साल पुराने फैसले को बता दिया खतरा। संसद में नोट के बदले वोट या भाषण केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। दोस्तों बताएंगे पूरी खबर विस्तार से, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें, भारत की शीर्ष अदालत ने रिश्वत मामले में विधायकों और सांसदों को राहत देने से साफ इनकार कर दिया है। खास बात है कि अदालत ने 1998 में दिया अपना ही फैसला बदल दिया है। उस दौरान सांसदों और विधायकों को सदन में रिश्वत लेकर भाषण या वोट देने के लिए अभियोजन से छूट दी गई थी। सीजीआई यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 7 सदस्यीय बेंच ने फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि रिश्वतखोरी के मामले में संसदीय विशेष अधिकारों के तहत संरक्षण प्राप्त नहीं है और 1998 के फैसले की व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 के विपरीत है। सीजीआई के साथ बेंच में जस्टिस एएस बोपन्ना, जज एमएम सुद्रेश, जस्टिस पीएम नरसिम्हा, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जज संजय कुमार और जज मनोज मिश्रा शामिल थे। शीर्ष न्यायालय ने कहा, विधायिका के सदस्य जब भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी करते हैं तो वो सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को खत्म कर देती है। साथ ही कोर्ट ने कहा, पीवी नरसिम्हा राव मामले में दिया गया फैसला जिससे सांसदों को छूट देने की बात कही गई थी वो बेहद खतरनाक है और इसलिए उस फैसले को खारिज किया जाता है। अदालत का कहना है कि रिश्वत लेने का अपराध इस बात पर निर्भर नहीं करता कि भाषण में बाद में भाषण या वोट दिया या नहीं। कोर्ट ने कहा कि जब विधायक रिश्वत स्वीकार कर लेते हैं तब ही यह अपराध हो जाता है। कोर्ट ने कहा, घूस के चलते किसी सदस्य को एक खास तरह से मतदान करने के लिए कहा जाता है जो भारतीय लोकतंत्र के आधार को खत्म करता है। शीर्ष न्यायालय ने कहा, अनुच्छेद 105 या 194 में रिश्वतखोरी को छूट नहीं दी गई है। आपको बता दें, 1998 में 5 जजों की बेंच ने 3-2 की बहुमत से फैसला सुनाया था कि भाषण या वोट से जुड़े रिश्वतखोरी के मामले में संसद या राज्यों की विधानसभा के सदस्यों को अभियोजन से छूट रहेगी। उस दौरान अनुच्छेद 105(2) और अनुच्छेद 194(2) का खास तौर से जिक्र किया गया था।